हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनम सिविंग डे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये अस्तर का ब्लाउज है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया हुआ है। इसमें ये हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये यहाँ पर दोनों किनारे इधर आई हुई हैं। ये तो इसमें हम सबसे पहले इधर से 1.5 इंच का मार्क करते हैं नीचे से। ये दोनों किनारे इधर हैं, इधर आए भी हैं। यहाँ पे हम पहले 1.5 इंच का मार्क करते हैं इस तरह से। इधर इस निशान को सीधा कर देते हैं। इसके बाद हमें ब्लाउज़ की लेंथ 13.5 इंच रखनी है, तो हम 14 इंच पे इस तरह से ऊपर, यहाँ से 14 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर, और इस निशान को भी हम ऐसे सीधा मिला देते हैं। अब हमें ये इस कपड़े को इस तरह से खिसकाना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि चेस्ट कितना है। तो चेस्ट के लिए हम यहाँ से नापेंगे बटन पट्टी को, यहाँ से इस तरह से छोड़ के इसको, और यहाँ से नापेंगे। ये हमारा 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच फोर्थ भाग होता है चेस्ट का। तो हम 9.5 इंच प्लस 2 इंच का हम यहाँ पे इधर से निशान लगाएंगे कपड़े को, उतना हमें लेना है। 2 इंच प्लस 9.5, तो ये हो गया हमारा 11.5 इंच। तो हम 11.5 इंच कपड़ा ले लेते हैं। ये यहाँ पे आ गई है किनारे, इधर से ये कपड़ा एक्स्ट्रा साइड में बच गया। यहाँ से यहाँ तक हमने 11.5 इंच ले लिया है। अब इस पार्ट में यहाँ पे जो ये किनारी आ रही है, इस किनारी किनारी को हम यहाँ से कट कर देते हैं। केवल किनारी को कट करना है हमें। ये किनारी केवल हमें यहाँ तक ही कट करनी है, जहाँ तक हमें ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग की हुई है। ये हमने इसलिए कट की है क्योंकि यहाँ पे इधर से हम प्लेकेट की तरफ रखेंगे इस कपड़े को, तो ये किनारी जब हम प्लेकेट बनाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है इससे, इसलिए हम यहाँ से इस किनारी को हमने कट कर दिया है। अब हम यहाँ से तीरे का निशान लगाते हैं। तीरा हम रखेंगे यहाँ से 5.5 इंच, 5.5 का एक निशान हम यहाँ ऐसे लगाएंगे। ये हमने सीधी लाइन के लिए लगाया है। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, वो लेंगे हम 6 इंच। इधर से हम 2.5 इंच पे गले का निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच, और 2.5 इंच का निशान एक यहाँ लगाएंगे। और ये हमें गला रखना है इसका, हमें 6 इंच का, तो हम 6.5 इंच लेंथ रखेंगे इस गले की। ये बॉक्स बना के अब हम इसको गले की शेप दे देंगे। इधर हम आर्म होल के लिए ये गोलाई करेंगे। यहाँ पे हम एक डीप आर्म होल के लिए 1 इंच का निशान अंदर और लगाएंगे इस तरह से अंदर की तरफ, और इस निशान को यहाँ मिलाएंगे ऊपर, और एक ये वाली हम यहाँ पे इस तरह से और मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट जो हम इसमें कटिंग करेंगे ब्लाउज का, ये जो आगे का पार्ट है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये हम बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का हमने 9.5 इंच का निशान कर लिया है। उसके बाद हम कमर देखते हैं, कमर कितनी है। कमर का फोर्थ पार्ट हमने 8.5 इंच लिया है, तो हम यहाँ से ऐसे ही निशान लगाएंगे। 8.5 इंच ये हो गया, और फिर हमारा प्लेट में, इसमें जाएगा, डार्ट में जाएगा, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का वो निशान लगाएंगे, और इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे।
ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन बच गया है इधर। अब हम यहाँ पे, अब हम इसमें टक्स डालने का मार्क करते हैं। तो यहाँ से हम नापेंगे 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे और इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क किया, इसे सीधा किया। यहाँ से हम ऊपर से इस निशान से 10 इंच पे ये आना चाहिए। ये जो हमें टक्स रखनी है, यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 10 इंच पे, यहाँ से नाप के 10 इंच पे, और इसको सीधा करेंगे। यानी ये जो मेन हमारी डार्ट होती है, ये इधर से तो हमें रखना होता है 3.5 इंच, और ऊपर से यहाँ से रखते हैं हम इसको 10 इंच की दूरी पे। ये मेन हो गई। अब हम इधर नेक की तरफ 1.5 इंच का निशान करेंगे एक, और इसको ऐसे सीधा करेंगे। थोड़ा टेढ़ा, बिल्कुल सीधा नहीं करना होता, थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं इसको ऐसे। तो एक डार्ट हमारी ये हो गई। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इधर 2 इंच इस निशान से, मेन डार्ट से 2 पर हम निशान लगाएंगे, 2 इंच पर। और इसको इधर हम थोड़ा, इसको भी तिरछा ही रखते हैं, इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम ये वाली डार्ट से ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसको हम यहाँ आर्म होल में ले जाके मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी डार्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको कटिंग कर देते हैं। इसको हम यहाँ से काटेंगे। अभी हमें ये बाहर वाला ही आर्म होल काटना है, यहाँ पे लाके हम इसे इधर ले जाके। इसको हम इधर से अलग कर देते हैं। जो हम फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग करते हैं, वो हम खुले की तरफ से करते हैं। अब हमें बैक पार्ट की हमें कटिंग करनी है। तो ये हमें, ये ऐसे है कपड़ा, तो हम इसी को रख के मार्क कर लेंगे। इसे हम इस तरह से घुमा देंगे, इधर हम बंद की साइड, ये इधर आ जाएगा नेक की तरफ, और इधर एक्स्ट्रा मार्जिन खुले की तरफ आ जाएगा। और ये जो हमारा शोल्डर है, ये यहाँ इस तरफ ले लेंगे हम इसे ऊपर की तरफ। ऐसे रख के हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल ड्रॉ कर लिया है, और ये यहाँ पे ड्रॉ कर ली है लाइन। अब हम इसकी लेंथ रखते हैं। लेंथ हमने 14 लेना है, तो इससे हम नाप के 14 इंच पे लेंथ रख लेंगे, 14, और प्लस 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं नीचे फोल्डिंग के लिए, और इसको कर देते हैं। ये हमारा, ये लेंथ का मार्क करने के बाद अब हम इधर नेक का निशान लगा देते हैं। नेक हमें यहाँ 7 इंच का रखना है, तो ऐसे तो हमें 2.5 इंच की चौड़ाई हो गई इसकी, और लेंथ में हम रखेंगे इसको 7 इंच, और ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे जैसे फ्रंट पार्ट में हमने बनाया था, और इसको भी शेप दे देंगे। इसको, ये बैक पार्ट का है, तो हम इसे थोड़ा बाहर से ले लेंगे इस तरह से। अब इसमें डार्ट डाल देते हैं। तो ये हम लगाएंगे 4 इंच पे, ऐसे निशान लगाएंगे, और ऊपर से हम ले लेंगे 10 इंच, और इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा आधा आधा इंच इधर से दब जाएगा, आधा इंच इधर से, आधा इंच इधर से, और ये इस तरह से पड़ेगी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इसकी। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमने ये नेक इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है, ये 4 लेयर हैं।
और हमें ये लेंथ में हमने ये 9 इंच लिया है इस तरह से, जिस तरह से आर्म होल होता है। और हमें इसकी स्लीव्स जो रखनी है 4 इंच की रखनी है। तो हम यहाँ से पहले हम 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं इस तरह से, फिर हम यहाँ पे 4 इंच नापते हैं, और फिर हम आधा इंच इधर लेते हैं। अब ये पूरा टोटल कपड़ा हो गया हमारा 6.5 इंच, तो हम इधर 6.5 इंच का कपड़ा इसको निकाल लेते हैं कटिंग करके। ये हमने यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ पे इस निशान को यहाँ मिलाया और आधा इंच की गोलाई इस तरह से हमने दे दी है, और आधा इंच हम इधर से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ मिला देंगे इसको। और ये हमारा है यहाँ से 4.5 इंच है, यानी 4 इंच की हमें स्लीव रखनी है। तो यहाँ पे इसको निशान को करके हम 4.5 इंच पे और इसको सीधा किया। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस बचा है, तो हमें इसको क्या करना है, इस तरह से हमें लेना है कटिंग के लिए इस तरह से। और यहाँ से हम आधा इंच ये, तो अब हम इसको कैसे कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे इसको इस तरह से, और यहाँ से हम इधर यहाँ से हम थोड़ा सा कट करेंगे इस तरह से, और हम इन स्लीव्स को इस तरह ओपन करेंगे, और ओपन करके अब ये डीप ये कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ से समथिंग 1 इंच इस तरह इसलिए बढ़ाया है हमने, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक हम इसे रखते तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह बचती, तो ये बहुत ये सही नहीं था। तो अब ये इस तरह से आएगा हमारा, यहाँ 6 इंच की स्लीव्स होंगी और इस तरह यहाँ पे सिलाई होके ये बिल्कुल सही आएगा। फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।